पंजाब के कप्तान की टीम का कौन कौन होगा खिलाड़ी, फाइनल सिलेक्शन की तैयारी। वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब को सूबाई कमीना पर मुशावरत के लिए आज इस्लामाबाद बुला लिया। डॉक्टर यास्मी राशिद, मियां असलम इकबाल, अलीम खान, यासिर हमायूं, मियां महमूद रशीद को वजारत मिलने का इम्कान। नामजद गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी मुलाकात में शरीक होंगे। पंजाब के नए गवर्नर चौधरी सरवर 28 अगस्त मंगल को हल्फ उठाएंगे। अपने कप्तान की तरह चौधरी सरवर का भी बड़ा फैसला, गवर्नर हाउस के बजाय डिफेंस में अपने घर में ही कायम करेंगे। नए गवर्नर 29 अगस्त बुध को पंजाब की नई काबीना से हल्फ भी लेंगे। बरकी जीने लगेंगे, मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलतें मिलेंगी। वजीर रेलवे शेख रशीद ने लाहौल रेलवे स्टेशन की ताजीन और आयश का ऐलान कर दिया। आज स्टेशन का दौरा भी करेंगे, रेलवे का खसारा एक साल में ही खत्म करेंगे। महकमे की 4000 एकड़ जमीन वागुजार करानी है। वफाकी वजीर शेख रशीद की रेलवे हेडक्वार्टर में इजलास की सदारत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर डाकुओं के निर्गे में एक ही दिन में 17 डाके, शहरी लाखों रुपए जेवरात और मोबाइल फोन से महरूम। फरगाबाद शाहदरा में शहरी से 2 लाख छीन लिए। जौहर टाउन में घर से 4 डाकू जेवरात और नकदी लेकर रफूचक कर। सांधा और पुरानी अनारकली में शहरियों से नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। शफीकाबाद फैक्ट्री एरिया, टिब्बी सिटी, बागबानपुरा के जनरल स्टोर में भी लूटमार। डाकुओं ने मोबाइल टावर की बैटरियां भी ना छोड़ी। पुलिस में अखाड़ पिछाड़ जराइम बढ़ने की वजह करार, एसएसपी ऑपरेशन असद सरफराज कहते हैं इंतखाबात के दौरान बेपनाह तबादले वारदातों की वजह हैं। दीगर इजलास से आए थानेदारों की तैनाती के इलाके में मुकम्मल गिरफ्त नहीं, तमाम वसाइल मौजूद हैं। मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डकैत गैंग्स को पकड़ने के लिए टीम्स तश्कील दी गई हैं। लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। शहर सीवरेज के मसाइल का गढ़ बन गया। शौकत टाउन में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। बहादुराबाद कमाहा में गटरों का पानी गलियों में दाखिल, मैयत कब्रिस्तान ले जाना भी मुश्किल। किला गुजर सिंह के मकीन नाके सीवरेज के खिलाफ सड़कों पर आ गए। हर तरफ ताफुन और बीमारियां फैल रही हैं। शिकायतों के बावजूद इंतजामिया खामोश है। मुजाहरीन की दुहाई, पुलिस वाले कोई तामा नहीं कर रहे, उन्होंने पैसे ले लेना, खरीद लेना उन्होंने। साढ़े ना कभी हो ना आयो घंटे बाद, कल तो असं बैठे हैं, सानू जी रिपोर्ट कभी कहते ढाडी रिपोर्ट गलत है, कभी कुछ सारा जराइम पेशा सिर्फ कभी कहते ढाडे ने कर देंगे, धमकियां ला रहे हैं, तुहानू मार देंगे। मेरे बच्चे घरों बाहर नहीं है, घर कोई नहीं है, साढ़े घर 2-3 दफा हमला किया।